हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कंस्ट्रक्शन। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था पार्ट वन में, कैसे हमें अपने घर की जो नींव है उसको मजबूत करना चाहिए। और अगर आपके घर की नींव मजबूत होगी तो आपका घर भी मजबूत रहेगा। तो ये हमारा है पार्ट टू, जिसमें कि सेकेंड ऑप्शन होते हैं हमारे पिलर्स की। हर घर में पिलर होने बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो हम इसके जब साइज़ की बात करते हैं, इसका जो फ्रंट रहेगा हाउस का वो रहेगा आपका 24 फीट, एंड जो इसकी लेंथ रहेगी वो रहेगी आपकी 50 फीट। और ये जो है हम सिंगल स्टोरी हाउसेस बना के दे रहे हैं, ऑन डिमांड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और जो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो रहेगी हमारी 1700 पर स्क्वायर फिट विद मटेरियल। और आप देख रहे हैं प्रॉपर इसमें जो है पिलर वर्क हो रखा है। ये जो है हमारा रोड लेवल है। उसके बाद हम इसमें जो है टाइप इन लगने के बाद इसमें इंग्रेडिएंट मिक्स कर देंगे, और उसके बाद 4 रॉज लगाने के बाद उसमें डीपीसी करेंगे। और ये देख सकते हैं प्रॉपर हम जो है वाटर दे रहे हैं ब्रिक्स को, तराई दे रहे हैं। ऑलमोस्ट जो है शरिया लग चुका है। और इसके बाद हम इसको जो है फिल करेंगे इंग्रेडिएंट से। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये आ जाता है अपना पॉट एरिया। और प्रॉपर जो है पानी की तराई कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो है आपकी किचन आ जाएगी। और किचन के बाद जो है ये आपका डाइनिंग एरिया प्लस लिविंग रूम। ये आपका लिविंग रूम। तो अगर अभी तक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और ये जो है अपना कॉमन वॉशरूम आ जाता है। ये आपका फर्स्ट बेडरूम, और फर्स्ट बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम ये देख सकते हैं। इसी के साथ ही वॉशिंग एरिया प्लस सेकंड बेडरूम एंड अटैच वॉशरूम। और इसमें हमने जो भी हमने बार यूज़ करी है वो 16 mm की। और बाकी जो भी हम मटेरियल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो वो कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट में मेंशन होगा। हम ऑन डिमांड कंस्ट्रक्शन करते हैं कस्टमर के चॉइस के अकॉर्डिंग। उसमें उनकी सारी चीज़ें मेंशन होगी कि कितने पिलर है और कौन सा ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, कौन सा रेता यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा हम जो है वुडन वर्क कंप्लीट रहेगा और टाइल वर्क। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ आप प्रॉपर्टी अपनी अगर बना रहे हैं या बनाने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप खुद कंस्ट्रक्शन करवाएं, ताकि आपको तसल्ली हो जाएगी कि आपकी घर में किसी चीज़ की कमी ना रहे। जैसे अगर आप रेडी टू मूव लेते हैं तो उसमें आपको आइडिया नहीं होता है कि पिलर्स है भी कि नहीं है, और ब्रिक्स कौन सी यूज़ करी है। और अगर आप हमसे बनाना चाहते हैं तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अपना नंबर मेंशन कर देंगे, अब वहाँ पे आके हमें कॉल कर सकते हैं। और ये था हमारा पार्ट टू कि कैसे टाई बीम डालते हैं और शरिया कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ये हम TMT बार यूज़ कर रहे हैं 16 mm का, 12 mm का और 8 mm का। और उसके अलावा बाकी आपने प्रीवियस वीडियो में तो देख लिया होगा कि कैसे हमें फाउंडेशन मतलब भरनी है या फिर अपनी घर की नींव मजबूत करनी है। तो ये थी मेरी वीडियो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको आने वाले प्रॉपर्टी के बारे में लेटेस्ट अपडेशन मिलते रहे। और हमारे पास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK फ्लैट भी अवेलेबल है। और आप हमारे YouTube चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं, डेली हम अपडेट करते हैं।
और आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मुझे यहीं ख़त्म करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए